हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरा अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो गाइस, आप लोगों को पता ही, मेरे चैनल पे एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जो कि स्कैम के रिगार्डिंग था और वो अमेज़न के थ्रू से हुआ था। तो वो वीडियो मैंने अपलोड इसीलिए किया था क्योंकि जो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लोग सब्सक्राइबर है, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आप लोग भी 100% 110% आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हो, क्योंकि आजकल ट्रेंड ही बन गया है ऑनलाइन शॉपिंग करना। हर बच्चे बूढ़े हर कोई ऑनलाइन से शॉपिंग करते हैं क्योंकि सस्ता ही मिलता है और बहुत ही ईजी होता है। बस घर में डिलीवरी, ऑनलाइन घर बैठे ऑनलाइन करो, घर में डिलीवरी लो। उसी के दौरान कभी कभी स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। बस आप लोग भी ऑनलाइन से शॉपिंग करते हो तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट मिला आप लोगों को क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट मिला है उसका एक वीडियो बनाना है। मतलब आपको मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करना है और जो भी प्रोडक्ट मिला है उसको बस अनबॉक्सिंग करना है कैमरा के आगे, ठीक है। अगर किसी भी तरह का स्कैम होता है, कुछ भी होता है, बस आप लोगों को कुछ परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जिस कंपनी से मंगवाए उसका एक कंप्लेन कर दीजिए। अगर आपसे कुछ वो लोग कुछ वेरीफाई करते हैं तो वो वीडियो आपके पास है ही, तो कुछ दिक्कत भी नहीं होता। तो इस तरह से आप लोग किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कुछ भी प्रोडक्ट डिलीवरी होता है तो ये काम ज़रूर करें। ये प्रोडक्ट मुझे 20 दिन पहले डिलीवरी हुआ था। अभी मेरा क्लास चल रहा है तो मुझे एडिट करने का टाइम नहीं था, ठीक है। और ऐसे ही मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो तो बना लिया था लेकिन एडिट करने को टाइम नहीं था तो एडिट नहीं किया था, इसलिए मैंने वो मेरे चैनल पे वीडियो भी नहीं दिया था। तो फाइनली आज एडिट कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद बस मेरा यही था। तो चलिए मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने पिछले बार ये अनबॉक्सिंग किया था, क्लेवियर का ईयरफोन्स तो मैंने अमेजोन से परचेस किया था, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये स्कैम हुआ था, मतलब कि जो प्रोडक्ट मिसिंग था अंदर, ठीक है। और उसके बाद मैंने कॉम्प्लेन भी किया था, सो फिर से एक नया आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं पिछले बार भी क्लेवियर का ही आया था, इस बार भी क्लेवियर का ही है, उसी का रिप्लेसमेंट। तो आप लोग देख सकते हैं। और पहले जो आया था ये अमेजोन का कुरियर बॉय लेके आया था, लेकिन जो पिछले बार मैंने ये फ्री में ऑर्डर हुआ है, ये पहले पैसे दिया था। लेकिन इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट मिसिंग है, ठीक है। मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सो मैंने कॉम्प्लेन करके उन लोगों को मैंने कॉम्प्लेन किया और कॉम्प्लेन करके अमेजोन कस्टमर को मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट मिसिंग है। सो उन्होंने मुझे इसका सिर्फ ओनली इसका मैंने फोटो क्लिक किया, एक उन्होंने लिंक भेज दिया था वो SMS पे। सो मैंने उसी लिंक पर क्लिक करके एक फोटो अपलोड कर दिया। सो उन्होंने फ्री में ये वाला ऑर्डर कर दिया, ठीक है। पहले का ये वाला था, इसमें तो मिसिंग था। सो मेरा एक्सपीरियंस अमेजोन के साथ बहुत ही अच्छा है। पहले से काफ़ी प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था लेकिन कभी ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ था। एक तरफ से ये फ्रॉड ही बोल सकते हैं आप लोग। ये पता नहीं ये सेलर का गलती था या कुरियर बॉय का, उन्होंने कुछ किया या वो सब पता नहीं है मुझे, लेकिन प्रोडक्ट 100% यहाँ पे मिसिंग था। सो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया। सो आप लोग देख सकते हैं इस वाले में भी प्रोडक्ट है या नहीं है। उन्होंने ये जब नेक्स्ट टाइम भेजा था तो उन्होंने स्पीड EMS, ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू उन्होंने मुझे भेजा, कोई कुरियर बॉय लेकर नहीं आया था। पोस्टमैन ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे डिलीवरी दिया था। सो चलिए ये प्रोडक्ट अभी इसमें भी मिसिंग प्रोडक्ट है या नहीं है, या अभी भी प्रोडक्ट अंदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। पहली बार हुआ है ये एक्सपीरियंस मुझे ये अमेजोन से। मुझे तो पहले मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था लोगों को जो आईफोन वगैरह मंगवाते हैं उसमें साबुन और पत्थर वगैरह आते थे, लेकिन अभी खुद के साथ ये स्कैम हो गया। तो अभी मुझे पता चला कि मतलब इतना छोटा सामान में भी स्कैम हो सकता है। तो आप लोग आगे देखिए। अभी आप लोग पैकेज देख सकते हैं, पैकेज तो बिल्कुल सही तरीके से आया था, पिछले बार भी सही तरीके से था पैकेज। लेकिन मुझे लगता है ये सेलर का ही गलती है, उन लोगों ने प्रोडक्ट डालने में भूल गए। ये पहले ये था मिसिंग प्रोडक्ट, ठीक है, इस बार इसमें नहीं था प्रोडक्ट, आप लोग देख सकते हैं मिसिंग था। इस बार यहाँ पे फिर से पर्ची वगैरह दिया गया है, इसमें प्राइस वगैरह मेंशन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस वगैरह मेंशन नहीं है, ठीक है। 000 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 00, क्योंकि ये सेकेंड टाइम जो मैंने किया था ये मतलब फ्री डिलीवरी, मतलब पहले प्रोडक्ट मिसिंग था ना तो मैं क्यों पे करता फिर से, तो उन लोगों को मैंने कंप्लेन कर दिया। सो फ्री में ये डिलीवरी हो गया। सो इस बार अंदर है लेकिन प्रोडक्ट। सो ये पर्चे वगैरह, ठीक है, तो इसे साइड पर रख देते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस बार प्रोडक्ट है, इस बार प्रोडक्ट मिसिंग नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पिछली बार मैंने इसी तरह से खोला था लेकिन अंदर प्रोडक्ट नहीं था, मिसिंग था, लेकिन इस बार प्रोडक्ट है। मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है और अक्सर 2 बार तो नहीं होता है, पिछले एक ही बार होता है। सो इसे मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। और मैंने ये परचेस किया था 279 रुपीज़ में, लाइटिंग डील, ठीक है, अभी भी आप लोग परचेस कर सकते हैं।
इसका क्वालिटी, वायर का क्वालिटी और जो इसका क्वालिटी है ईयरफोन का, वो क्वालिटी बिल्कुल ठीक ठाक है, काम चलने वाला। और आप लोग देख सकते हैं ये डुअल ड्राइवर जैसे दिख रहा है, लेकिन ये डुअल ड्राइवर तो है नहीं, जैसे शायद स्टाइल के लिए दिया गया है। और जो ये आप लोग देख सकते हैं ये मल्टी फंक्शन के लिए है, बस सिंपल टाइप का है। ये आप डाउन कर सकते हैं, अगर प्लस की तरफ आप करोगे तो साउंड बढ़ेगा, अगर माइनस की तरफ डाउन कर दोगे तो इसका साउंड बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, साउंड यहाँ से भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस बाकी सब ठीक ठाक है, अगर पसंद है तो ले सकते हो, वरना पसंद नहीं तो आप लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हो। यही ईयरफोन का लेंथ वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, साउंड भी प्राइस को पूरा जस्टिफाई करता है और परफेक्ट है साउंड भी। लेकिन कानों में जब आप लोग अटैच करते हो ना, तो कानों में अटैच करते समय आप लोगों को, हर किसी को नहीं, कोई कोई को प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे ये वाला ईयरफोन उतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी और इस ईयरफोन का क्वालिटी बहुत मस्त है, तो आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।